मुझे नीम चौक से पता लगा था। नीम चौक से, ठीक है, वहीं से बताइए। जब आपको पता लगा उसके आगे पता लगा, मेरी गली में आए थे दो लड़के फॉर्म लेके, तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। मेरा लड़का उस टाइम 5.5 साल का था, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने फॉर्म भर के दिया, उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे करना है। सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सैलरी स्लिप के लिए कहा मुझे, तो सैलरी स्लिप तो मेरे पास थी नहीं, क्यों लोकल काम करते हैं तो सैलरी स्लिप नहीं मिलती। बैंक अकाउंट की मैंने फोटो स्टेट लगा दी थी उसमें। हाँ। वो कराने के बाद फिर एक ऑफिसर, किसी सरकारी ऑफिसर के साइन मारने मरवाए थे मैंने, तो MBBS डॉक्टर के साइन कराए। फिर मैं बतरा गया उसको जमा करने के लिए, तो वहाँ नंबर नहीं आया, चलाया पहले मैंने, पहले ही बंद कर दिया वो। फिर अगले दिन गया, अगले दिन जाने के बाद दो बंदे रह गए मेरे आगे, फिर बंद कर दिया उसने, वापस चला गया। फिर अगले दिन मैं सुबह 6 बजे गया उठ के कि नंबर जल्दी आ जाए। हाँ। तो 6 बजे जाने के बाद तब भी मेरे आगे करीब 20 बंदे थे लाइन में, 6 बजे जाने के बाद भी। उसके बाद फिर वहाँ जब लाइन में लगे, नंबर आ गया, नंबर आने के बाद तो उसमें मैंने एक मोहर नहीं लगवाई थी, टिकट जो मिलती है ना, एफिडेविट जो बनवाते हैं, तो वो टिकट नहीं थी मेरे पास, उसके लिए उन्होंने मुझे वापस कर दिया। अच्छा। तो फिर मैं जाके टिकट लेके आया, टिकट लाने के बाद फिर बिना लाइन के वो मैंने जमा करा सारे, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे उसने, चेक करने के बाद फिर उन्होंने पास कर दिया वो, फिर मैं चला गया। फिर उसके बाद वो एक स्लिप दी थी, उसकी फ़ोटो स्टेट करा करके, और स्कूल का फॉर्म था मेरे पास, वो करके करीब 5 स्कूलों में मैंने डाला। ठीक है। उसके बाद 3 स्कूलों में नाम आया बच्चे का, एक स्कूल में गया था आनंद विद्या भारती में। हाँ। हमारे वहीं पास ही में है गुरुद्वारे के पास, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ गया था, उसने प्रिंसिपल मेयर से बोला कि ऐसा है, यूनिफॉर्म और किताबों के आपको पैसे लगेंगे, बाकी पढ़ाई तुम्हारी फ्री होगी पूरी साल, साल में एक बार खर्चा होगा तुम्हारा। तो मैंने बोला कि मेरे को, मुझे तो नहीं बताया खर्चा होगा, मुझे तो बताया कि फ्री बच्चा पढ़ेगा 8 साल तक, कि नहीं ऐसा नहीं, गलत बताया उन लोगों ने। फिर मैं बाहर निकल के फिर मैंने आपके यहाँ कॉल करी, बात हुई मेरी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने पहले टेस्ट लिया बच्चे का, तो बच्चे अब टेस्ट उन्होंने लिया ऐसा, वो बता नहीं पाया कुछ भी, इसको लेके आना फिर हम ले लेंगे एडमिशन। बाकी किताबें यूनिफॉर्म के लिए फिर भी वो बोल रहे थे कि पैसे लगेंगे। वहाँ से आने के बाद फिर हमने एक महीने का टाइम मांगा, मैंने ट्यूशन लगा दी दूसरी जगह। उसके बाद फिर अमृता पब्लिक स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ आपके बच्चे का नाम आ गया है, तो उनने मेरे को बुलाया, फिर मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर मेरे को सारे डॉक्यूमेंट चेक करे, फिर उन्होंने कहा इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाओ मुझे, और उसी दिन फिर मैं बतरा गया, वहीं से लेके आया। फिर उनको फिर मैंने ओरिजिनल दिखाया, ओरिजिनल की फ़ोटो स्टेट करा के जमा करा दी वहाँ पर। जमा कराने के बाद फिर उसने मेरे को एक पर्ची दी कि ऊपर से ले लेना, बुक और किताब कापियाँ मिल जाएंगी, उनने पैसे नहीं मांगे मेरे से। मैं अकेले गया था, बच्चे को लेके नहीं गया। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बच्चे को लाए, मैंने बच्चे को तो नहीं लाया, कि अगले दिन लेके आना और यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं जाके बुक्स ली, कापियाँ ली, एक थैले में उसने पैक करके मेरे को दे दी, मैं चला गया घर पे। अगले दिन बच्चे को लेके गया, फिर उसने यूनिफॉर्म दी 2 कलर की, पैसे नहीं लिए उस टाइम पर। हाँ। तो वो फिर पड़ता रहा, अभी जब मौसम ठंडा आया तो फिर गर्म यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने फिर पैसे मांगे मेरे से। तो एक स्वेटर लिया था वो 220 का दिया था, और एक टी शर्ट ली थी 140 की। मैंने आपके यहाँ कॉल भी की थी, मैंने बताया भी था, तो फिर उन्होंने कहा कि पैसे नहीं देने थे, पैसे नहीं लगेंगे वहाँ पे एक भी, ऐसे करके फिर वो। थैंक यू वेरी मच, सीरियसली।